आज हम जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर हैं इसके बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके परीक्षा में आने वाले हैं। इसी से आपको पढ़ाई करनी है और अच्छे से याद करनी है, तो टेस्ट के लिए भी ये तैयारी हो रही है आप लोगों की, इसीलिए आप ध्यान से देखिए। आज लेंगे हम इंग्लिश में रीड द मल्टीपल टाइप क्वेश्चन एंड टेकिंग द राइट आंसर। साथ है कि मल्टीपल आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर जो है दिए हैं, प्रश्न आपको पढ़ना है और सही जो उत्तर है इसमें चार ऑप्शन दिए हैं, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है ए बी सी डी में से, उसमें आपको टिक करना है। ठीक है, तो सेंटेंस जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट है ह्यूमिड मींस, ह्यूमिड मींस का मतलब होता है डैम्प मोस्ट, इसका सही उत्तर है डी। सेकेंड है बीन रोज, मींस सेम की जो होती है फलियां उसका जो इसका मतलब क्या होता है, तो रोज ऑफ बीन्स होता है डी है, इसका उत्तर डी आएगा ये भी। द वर्ड शहनाई इज रिलेटेड ऑन, शहनाई जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो शहनाई मशहूर वादक है, ये उत्तर सही। और ज़ाइलोफोन मींस, ज़ाइलोफोन यानी एक वाद्य यंत्र का नाम है, तो उसका मतलब होता है ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विदाउट अ फॉल्ट और मिस्टेक अ वे ऑफ स्पीकिंग ग्रेट इंपॉर्टेंस, मतलब ये जब वाद्य यंत्र का नाम इंस्ट्रूमेंट होता है तो ये उत्तर सही है इसका। फाइव एवलिन गिलेनी इज, एवलिन गिलेनी एक गर्ल का नाम है, ये क्या है, सितार प्लेयर, हिंदी टीचर, ब्यूटीफुल गर्ल या ज़ाइलोफोन प्लेयर, तो एवलिन गिलेनी जो है ज़ाइलोफोन प्लेयर थी, ये उत्तर सही है। यू आर स्टडीइंग इन द बुक नेम इज, आप किस बुक से पढ़ रहे हैं, फर्स्ट इंग्लिश में मूमेंट अलाइव बिलाइव एंड बिहाइंड, तो आप पढ़ रहे हैं बिहाइंड से, डी उत्तर सही। टू विच पर्सन जीनियस वर्ड सेड, जीनियस शब्द किसके लिए बोला गया है, तो फर्स्ट है अल्बर्ट आइंस्टीन, मार्गी, तो ये बोला गया अल्बर्ट आइंस्टीन के लिए, एक उत्तर सही। एट हु रोट द पोयम ऑफ विंड, विंड जो है पोयम किसने लिखी, ये उत्तर सही है सुब्रमण्य भारती। फाइंड द अपोजिट वर्ड ऑफ फेल, फेल का अपोजिट विरोधी शब्द क्या है, फेल का विरोधी शब्द है पास होना। ठीक है, ये डी उत्तर सही है। राइट द मीनिंग ऑफ रास्कल, रास्कल का मतलब शरारती होता है, ठीक है, तो ये उत्तर सही है इसका। द लेसन माय चाइल्डहुड इज रिलेटेड टू, लेसन जो है माय चाइल्डहुड का नाम है, ये किससे रिलेटेड है, तो ये उत्तर सही डॉक्टर ए पी जे अब्दुल कलाम। हु डज द वाइन मेक फन ऑफ, द स्ट्रॉन्ग बी उत्तर सही है। 30 व्हाट डज द पोएट वांट टू द वाइन टू डू, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ विंडोज, ए उत्तर इसका सही है। 14 हु आर अफेक्टेड बाय द वाइन, तो इसका सही उत्तर है वीक। 15 व्हाट इज विनोइंग कॉल्ड, क्लीनिंग प्रोसेस, शॉर्टिंग प्रोसेस, परसाना और नन, इसका सही उत्तर है क्लीनिंग प्रोसेस। 16 व्हाट विल अगेन एक्सपेंड टू ट्री अ फुल साइज, रूट्स यानी जड़ें। 17 व्हाट इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ रूट्स, जो है डेथ कैसे होती है जड़ों की, पुलिंग आउट क्या खोदने से होती है। 18 चॉकिंग इज डन इन एब्सेंस ऑफ अर्थ एयर वॉटर सनलाइट, तो सही उत्तर है सनलाइट।
And 19, what does the strength of a tree lie in? Right answer is B, root. 20, what does a tree consume to grow? The right answer is chopping. 21, what does the poet symbolize a tree to? The right answer is a deep-rooted evil. 22, what does the poet equate killing trees with? Answer, none. Koi, nahi. How do the trees die? Answer, when we cut it with knife or jaw. मतलब पेड़ जो है वो कब जो है खत्म होता है, तो जब उसको चाकू से ऐसे काटा जाता है तब होता है. 24, what is the message of this poem? इस कविता का क्या मैसेज है? Don't type cut trees and save them. मतलब पेड़ को कभी काटना नहीं चाहिए और उसको हमेशा सेव करना चाहिए. 25, what killed the tree? ट्री जो है वो कब मरता है? जब उसको इनरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर होता तब होता है. फिर वॉट हेल्प द ट्री टू ग्रो? गार्डनर, मतलब माली नहीं रहेगा तो वो ट्री ग्रो नहीं करेगा. ठीक है स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से याद करना. वस्तुनिष्ठ इसी प्रकार के आपके एग्जाम में आएंगे, ऑनलाइन टेस्ट में. इसकी तैयारी अच्छे से करना.